हेलो जी, कैसे हो सारे? तो भाई लोग, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और जैसे कि आप देख सकते हो, सामने मेरी न्यू बाइक खड़ी है। इसको परचेज़ किए हुए मेरे को एक हफ़्ता पूरा हो चुका है, और इस बाइक को देख के आप समझ सकते हो कि मैं शायद इसी के लिए आपसे बात करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पज़ ये है कि भाई, आज पूरा एक हफ़्ता हो गया है इस बाइक को परचेज़ करे हुए, तो मैं इसके बारे में एक बार ओवरव्यू देना चाहता हूँ और अपना रिव्यू भी देना चाहता हूँ कि ये एक हफ़्ते में मेरे को बाइक कैसी लगी, क्या मेरा राइडिंग एक्सपीरियंस था, क्या मुझे इसमें कोई दिक्कत आई, क्या बेनिफिट था, कैसा चलाने में मेरे को मज़ा आया नहीं आया, जो भी इसके कंट्रोल हैं, मीटर के बारे में मैं सब कुछ बात करूँगा। और टाइमिंग के लिए यार, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, तो आई थिंक अंधेरा होने वाला है, बट मैं कोशिश करूँगा जल्दी से ख़त्म करूँ इस वीडियो को सब कुछ कवर करके। तो सामने से अगर शुरू करें तो भाई, सामने आप इसका लुक देख सकते हो, बाइक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती है, अग्रेसिव इसका लुक है। तो सामने से अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको मडगार्ड के ऊपर TVS रेसिंग की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, फ्रंट व्हील में आपको डिस्क देखने को मिल जाती है, और इस डिस्क के साथ साथ आपको ABS का रिंग भी दिखाई देगा। तो इसमें फ्रंट टायर के अंदर ABS आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो हेडलाइट है उसमें LED आपको देखने को मिलती है, हाई बीम लो बीम दोनों में आपको LED का सेटअप देखने को मिलता है, और DRL है। ये जो आप शेप देख रहे हो, ये DRL का है, मैं एक बार ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से इसकी DRL ऑन रहती है। एंड इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ऊपर ये आपका नंबर प्लेट का पोजीशन है, टर्न इंडिकेटर्स आपको बल्ब में देखने को मिलते हैं, ये LED में नहीं है। एंड साइड में आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है स्मार्ट एक्स कनेक्ट, तो ये ब्लूटूथ एडिशन है, ऑफ कोर्स ब्लूटूथ वाली बाइक है ये, इसमें आप ब्लूटूथ कनेक्ट भी कर सकते हो। एंड इसके बाद मैं आपकर मीटर की बात करूँ ना, तो मीटर आपको कम्प्लीटली डिजिटल देखने को मिलता है। ये मेरा फ्यूल इंडिकेटर है, यहाँ पर टाइम दिखाएगा, ये मेरा स्पीडोमीटर है, एवरेज स्पीड भी अपने आप काउंट करता है, तीन आपको मोड देखने को मिलते हैं इसके अंदर, ये मैंने ट्रिप ए पे सेट करा हुआ है, आपको ऑडोमीटर ट्रिप ए ट्रिप बी आपको देखने को मिलेगा, गियर शिफ्ट इंडिकेटर देखने को मिलेगा, ब्लूटूथ आपको देखने को मिलेगा, और साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर भी इसके अंदर देखने को मिलता है। ये बटन आपका मोड के लिए है और ये बटन आपका सेट करने के लिए है। इस बाइक के अंदर मीटर के ऊपर ये छोटी सी लाइट आती है, जिसके पीछे बहुत से लोग कन्फ्यूज होते हैं, तो ये लाइट उसके लिए है भाई, जब आप गियर शिफ्ट करते हो कितने RPM पे गियर अप होना चाहिए और कितने RPM पे गियर डाउन होना चाहिए, उस चीज़ को यहाँ पे इंडिकेटर आपको देखने को मिलेगा। आपकी बाइक अगर हाई गियर में चल रही है और आपकी स्पीड कम है तो ये रेड इंडिकेट करेगा, ताकि आप अपना गियर डाउन कर सको, और अगर आप गियर डाउन में हैं, आपने थ्रॉटल बहुत ज़्यादा किया हुआ है, तो भी ये रेड इंडिकेट करेगा कि भाई आप गियर अप कर लो। तो ये फीचर बहुत ज़्यादा अच्छा है, किसी को अगर ना पता चले तो इस इंडिकेटर को देख के भी अपना गियर शिफ्ट कर सकता है। देन इसके बाद लेफ्ट हैंडल बार की अगर बात करें तो ये आपका हॉर्न स्विच है, इंडिकेटर स्विच है, ये आई बटन जो है ये ब्लूटूथ कंट्रोल करने के लिए है, एंड देन ये है आपका हाई बीम लो बीम, एंड ये है पासिंग स्विच, ये आपका क्लच लीवर, ये भाई मेरा लेफ्ट साइड का मिरर, एंड राइट हैंडल बार पे आपको बात करूँ तो ये है हमारा इग्निशन स्विच, LED लाइट आपको यहाँ से ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है इसके अंदर, और ये है आपका मोड बटन, ये है इंजन किल स्विच, और यहाँ पर आपका फ्लूड होता है जो कि फ्रंट डिस्क को कंट्रोल करता है, और ये आपका राइट साइड का मिरर। तो ये तो बात हुई फ्रंट की, अब आपको राइट साइड से प्रोफाइल इसका दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से ये बाइक देखने को मिलती है, टैंक के ऊपर आपको TVS का लोगो मिलता है, वो भी 3D में, और यहाँ पर इसकी ये ग्राफिक्स हैं। फिटिंग काफ़ी अच्छी है, कोई भी बंदा इस पर बैठता है तो लेग्स आराम से प्रॉपरली फिट हो जाते हैं। इंजन के ऊपर भी TVS की ब्रांडिंग है, और नीचे जो इंजन काउल है उस पर हाइपर एज देखने को मिलता है, ये हमारा लेग गार्ड है, एंड साइड में अपाचे आपको दोनों साइड लिखने को मिल जाता है, लेवर फुटरेस्ट, ये है पिलियन फुटरेस्ट, और ये इसका ब्रेक लीवर है रियर के लिए, एंड ये है इसका एग्जॉस्ट, डुअल बैरल एग्जॉस्ट है, क्योंकि ये RM एडिशन है, स्पेशल एडिशन नहीं है। यार इस बाइक में मेरा ये टेम्प्ररी प्लेट का ना गिर गया नट नीचे, इसलिए लटक जाती है बार बार, एंड डुअल बैरल एग्जॉस्ट है, बुल पंप इसके अंदर नहीं है क्योंकि ये RM एडिशन है, स्पेशल एडिशन के अंदर ही आता है। और रियर साइड में भी आपको डिस्क देखने को मिलेगी, लेकिन रियर साइड में ABS नहीं है इसके अंदर, वो थोड़ा सा ड्रॉबैक है, क्योंकि आपको जब सडन ब्रेकिंग करनी होती है ना तो ये डिस्क लॉक हो जाती है, तो वो गिरने का स्किड करने का खतरा रहता है। एंड लेफ्ट साइड में अगर बात करूँ तो लेफ्ट साइड में आप देखिए नीचे ये गियर लीवर है, यहाँ पर राइडर का फुटरेस्ट आएगा, एंड ये है पिलियन का फुटरेस्ट, ये है सारी गार्ड, और ये लेडीज़ अगर बैठती हैं तो उनके फुटरेस्ट के लिए, एंड इधर भी आपको लेग गार्ड देखने को मिलता है। फिनिशिंग पूरी बाइक की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लुक भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। राइड्स बैक साइड में भी आपको RTR 164 भी लिखा हुआ मिलेगा, और जो ये रियर हैंडल है तो ये बैटमैन के लोगों की तरह लगता है, और पीछे की तरफ ये आपको रियर टेल लाइट है, नीचे आपको लॉक देखने को मिलेगा, कि सीट के अंदर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रखने हो तो वो रख सकते हो आप,
पीछे के टर्न इंडिकेटर्स भी आपको बल्ब में देखने को मिलते हैं, और ये जो लाइट है नंबर प्लेट के लिए है। साइड में आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा, नीचे आपको टायर हगर देखने को मिल जाता है, पीछे की तरफ भी आपका रिफ्लेक्टर दिया हुआ है ताकि कोई गाड़ी अगर आए तो उसको पता चल जाए कि भाई सामने कोई चल रहा है। एंड इसका जो रियर टायर है ये रेडियल है। ये रेडियल टायर होने का मेन बेनिफिट आपको तब पता चलता है जब आप कहीं छोटी मोटी जगह पे कट मारते हो, किसी गाड़ियों के बीच में से अगर आप निकलना चाहते हो, हल्का सा आपको बाइक को लीन करना होता है और आप आराम से निकल जाते हो, आपको बिल्कुल भी फील नहीं होता है। और नीचे से अगर मैं दिखाऊं तो इसकी चेन ओपन है, सिर्फ ऊपर की तरफ से इसका कवर है, वो भी हाफ कट है। ज़्यादा मैं कुछ डिटेलिंग इसके अंदर जाना नहीं चाहता, बस मेरे को ओवरव्यू बताना था आपको बाइक का, किस तरीके की बाइक है, कैसा इसका लुक है। एंड अब बात कर लेते हैं कि भाई मेरा एक हफ्ते का क्या एक्सपीरियंस रहा है, मैंने इस बाइक को एक हफ्ते तक चलाया है। तो एक हफ्ते का एक्सपीरियंस मैं आपको कुछ ऐसा बताना चाहूँगा कि भाई सबसे पहले तो मैं फ्यूल दिखा देता हूँ। इस बाइक को पहले मैं सेंटर कर लेता हूँ, और एक ये जो स्टार्टिंग में आपका दिखता है ना, मैं फिर से दिखाता हूँ, रुको। ये गियर अप हाई अपाचियन, तो ये जो इसका डिज़ाइन है ना, ये जिस तरीके से दिखाता है तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी देखिए जैसे ये दिखा रहा है कि भाई साइड स्टैंड लगा रखा है आपने, हटा लो उसे, तो मैं इसको हटा लेता हूँ तो वो हट गया। अब यहाँ पर तीन मोड्स कैसे कैसे चेंज होते हैं वो देखिए, यहाँ पे मोड का बटन है, मैं प्रेस करूँगा तो वहाँ चेंज होगा। अभी फ़िलहाल स्पोर्ट मोड में है, प्रेस किया मैंने रेन मोड में आ गया, अब ये अर्बन मोड में आ गया, और अब ये आ गया स्पोर्ट मोड में। तो मैं इसको ड्राइव कर रहा हूँ अर्बन मोड में, एक हफ्ता हो गया मेरे को मैंने इसको अर्बन मोड में ही ड्राइव किया है, ना मैंने रेन मोड में लगाया ना मैंने स्पोर्ट्स मोड में लगाया। अर्बन मोड के अंदर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा वो ये है कि आप हाईवे के ऊपर जब भी ड्राइव करोगे, वैसे अर्बन मोड का मतलब होता है कि आप सिटी ड्राइव के अंदर जब भी करोगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा कि भाई आपका फ्यूल इकोनॉमी बढ़ेगी और बाइक अच्छे से ड्राइव होगी, ना ज़्यादा फ्यूल कंजप्शन होती है और ना बाइक को इतना कुछ नुकसान होता है कि भाई इंजन पे ज़्यादा लोड पड़ता है या फिर इंजन ज़्यादा पावर से खींचता है, तो उन सब चीज़ों का नुकसान नहीं होता। और अर्बन मोड पे मैंने इसको चलाई है तो भाई आराम से 70-80 मैं 90 तक भी लेके गया हूँ, तो 90 तक जाने के बाद भी मेरे को बिल्कुल भी फील नहीं होता इंजन के अंदर कि भाई थोड़ी सी और पावर दे देता तो अच्छी होती। तो अर्बन मोड के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है इस बाइक का। एंड स्पोर्ट्स मोड में मैंने एक बार ड्राइव करके देखा था, स्पोर्ट्स मोड के अंदर ये क्या है, बिल्कुल ही आपकी जो ताकत होती है इंजन की पूरी प्रोवाइड करा देता आपको कि ले भाई तेरे को जितना खींचना उतना खींच, क्योंकि मैंने ड्राइव करके देखा था। जो मेरा लास्ट गियर है ना इस बाइक के अंदर, पांच गियर है, पांचवा गियर जब लग जाता है आरपीएम चल रही होती है 6500, उसके बाद भी यहाँ पे इंडिकेटर दिखाता है गियर हाई करने का नहीं गियर लो करने का, बोलता है भाई तू गियर लो कर, कम स्पीड में तूने ज़्यादा गियर डाल रखे हैं। तो मैंने जैसे ही थ्रॉटल थोड़ा सा और बढ़ाया जब मेरी आरपीएम गई 8000 के आसपास, तब जाके वो इंडिकेटर ऑफ हुआ और बाइक भाग रही थी भाई अप्रॉक्स 100 से लेकर के 105 तक, जो कि आई थिंक ज़्यादा नुकसान है, मतलब इतना हमें हाई नहीं भगाना चाहिए अनलेस एंड अनटिल आपको कोई इमरजेंसी हो या फिर कहीं पहुंचना हो, लेकिन वो भी भाई सडन केस में होता है तभी अच्छा लगता है। मेरा मानना तो ये नॉर्मल अपने ड्राइव करो, क्योंकि बाइक हम लोग शौक के लिए लेते हैं अच्छी बात है, बट फिर भी अपनी सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो इतना भगाना कोई फ़ायदेमंद है नहीं, बाइक को नॉर्मली उस पर चलाओ। अर्बन मोड पे मैंने इसको चलाया है 80-85, 80-85, 70-60 ऐसे चलती रहती है, मतलब डिपेंड करता है ट्रैफिक के ऊपर। बाकी 80-85 जाने के बाद भी ना वो रिस्पॉन्स इतना अच्छा देती है बाइक ये कि मेरे को बिल्कुल भी फील नहीं होता कि यार मैं इसका मोड चेंज करूं या फिर मैं स्लो चलाऊं थोड़ा सा और भगा लूं, बिल्कुल ऐसे मक्खन एक्सपीरियंस है ना इसका। और रेडियल टायर होने की वजह से तो जो ये लीन करने में बेनिफिट देती है वो आई थिंक कोई और बाइक शायद देती है नहीं देती, आई डोंट नो, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, बट इसके कंपैरिजन में मैंने 2-3 बाइक और चला के देखे तो सब में बेस्ट तो भाई मेरे को यही लगी है। और इसके बाद फ्यूल इकोनॉमी की अगर बात करूं, एक हफ्ता हो गया है जब मैंने ये बाइक परचेज़ करी थी, तो आपको पता ही है शोरूम वाले इतना फ्यूल देते नहीं है बाइक के अंदर डाल के, उन्होंने मेरे को अप्रॉक्स बताया था कि सर आपको इसमें 2.5 लीटर्स मिला है, जो इंडिकेटर अभी ये दिखा रहा है ना दो डंडी दिखा रहा है, तो उस टाइम यहाँ पर कुछ भी नहीं था, बिल्कुल 0-0 था। मैंने इसको फुल तो नहीं करवाया था बट हाँ अप्रॉक्स उसको बोला था कि भाई फुल कर दो, तो जितना इसमें डला था अप्रॉक्स 900 रुपीज़ का इसमें आया था। उसके बाद मेरे को पूरा एक हफ्ता हो चुका है और मैं किलोमीटर आपको दिखाता हूँ, टोटल जो मेरा किलोमीटर है ये देखो 287.7, मेरे को ये शोरूम से जब बाइक मिली थी 7.5 या 7.6 के अप्रॉक्स किलोमीटर से इसमें ऑलरेडी थे, तो आप अप्रॉक्स मान सकते हो 280 तक मैंने इसको चला लिया है, 280 तक चला लिया है और अभी भी इसके अंदर दो डंडी फ्यूल है, तो आप सोच सकते हो कि इतनी चलने के बाद भी मेरा पेट्रोल अभी भी इसके अंदर है।
ख़त्म नहीं हुआ है प्रॉपर तरीके से, और अभी और भी आगे चलेगा। छोटी सी वीडियो जब ये ख़त्म हो जाएगी ना, जब ये फ्यूल पूरा ख़त्म हो जाएगा, मैं फिर से इसको रिफ्यूल कराऊंगा, तब मैं छोटी सी एक वीडियो बना के दोबारा से दिखाऊंगा आपको कि भाई मैंने कितने का फ्यूल डलाया था, एक्चुअल मैंने कितना किलोमीटर चलाया और मैं कितने पे इसको रिफ्यूल करा रहा हूं। तो वो थोड़ा सा आपको क्लैरिफिकेशन और ज़्यादा हो जाएगा कि भाई कितना इसने एवरेज दिया, और मैं कैलकुलेशन करके आपको दिखा भी दूंगा कि एवरेज कितना निकला है। और ये जो एवरेज स्पीड दिखाता है डिस्प्ले पे, ये आपके कंटिन्यूस रनिंग स्पीड के अकॉर्डिंग है। आप 20-30 पे चल रहे हो तो उसकी एवरेज निकाल के आपको दिखाएगा, आप 60-70 पे चल रहे हो तो उसकी एवरेज निकाल के आपको दिखाएगा। मैं 70 से 75 के बीच में चलता हूं, तो मेरा हमेशा यही रहता है 43, 48, 50, बस ऐसे ही अप डाउन होता रहता है। 50 प्लस अभी तक गया नहीं है कभी एवरेज स्पीड मेरी, और ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता है पता नहीं किस हिसाब से, बट एवरेज स्पीड ये दिखाता है निकाल के। 70-75 पे खूब अच्छे से चलती है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके जो तीनों मोड्स है ना, रेन मोड, स्पोर्ट्स मोड और अर्बन मोड, अर्बन पे तो मैं ऑलरेडी चला रहा हूँ, रेन मोड जब बारिश का मौसम होगा तब मैं ट्राई करूँगा कि भाई किस तरीके से काम करता है। और स्पोर्ट्स मोड को मैंने एक बार चला के देखा हुआ है, तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा पावर मांगता है इंजन कि आप मेरे को खींचो तभी मैं भागूंगी, तभी आपको एक्सपीरियंस मिलेगा स्पोर्ट्स मोड का। तो मेरे लिए तो वो बेनिफिशियल है नहीं, कभी लंबे रूट पे जाना पड़ा या फिर कोई स्ट्रेट हाईवे मिला भगाने के लिए, तब मैं ट्राई करूंगा स्पोर्ट्स मोड पे डाल के कि भाई मैक्सिमम कितना जाती है ये। और अर्बन मोड पे बेस्ट थिंग क्या है कि मैंने इसकी स्पीड अचीव करी है 93 KMPH की स्पीड मैंने अचीव करी, वो भी तब जब बिल्कुल मैंने जान लगा के खींच ली थी कि भाई मेरे को बहुत तेज़ चलना है। और ट्रैफिक के बीच की बात है वो कि मतलब मिनिमल ट्रैफिक था, इतना भी नहीं कि बिल्कुल रोड खाली और मैंने भगाई है, ना ज़्यादा ट्रैफिक था ना ज़्यादा कम गाड़ियाँ थी, बस एवरेज था। तो उसमें मैंने 93 तक इसको भगाया, उसके बाद भी अर्बन मोड ने मेरे को बिल्कुल भी निराश नहीं किया कि भाई तू स्पोर्ट्स मोड पे लगा ले, नहीं, इंजन ने अपनी पूरी पावर दी है। तो ये चीज़ ना मेरे को इस बाइक की बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। और दूसरी चीज़ है इसका ये जो आपका टैंक का काउल है, इसके साथ साथ आपकी टांगें बहुत ही अच्छे से इस पे सपोर्ट करती हैं। मैं एक साइड से रख के दिखाता हूँ कि जैसे मैंने फुटरेस्ट पे पैर रखा है, तो अब देखो टैंक और मेरे लेग के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, तो अच्छे से इसने फिटिंग दी है। और जो ये आपका ग्राफिक डिज़ाइन है ना टैंक के ऊपर, ये भी काफ़ी अच्छी लुक देता है आपको। एंड राइट लेग भी अगर आप रख के देखेंगे ऊपर तो बिल्कुल ही फिट आता है, दोनों साइड से कोई भी गैप नहीं बचता। तो इसके बाद ना आपको ये राइडिंग करने में और भी ज़्यादा मज़ेदार एक्सपीरियंस मिलता है। एंड देन इसका जो हैंडल है फ्रंट, इस हैंडल को पकड़ के आपको ड्राइव करने में जो एक्सपीरियंस होगा ना, वो आई थिंक शायद किसी और बाइक में नहीं है, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है हैंडल का और जिस तरीके से इसकी प्लेसिंग है, बिल्कुल ही ऐसा फील करता है कि यार ना तो आप ज़्यादा लीन होके चला रहे हो और ना ही ज़्यादा स्ट्रेट बैठ के चला रहे हो, तो बिल्कुल ही मतलब एकदम कम्फर्ट वाला डिज़ाइन दिया हुआ है, कम्फर्ट लेवल पे इसको फिट किया हुआ है हैंडल बार को, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है इस बाइक को राइड करने में। एंड इसके बाद सबसे मेन चीज़ क्या है कि जब भी आप इस बाइक को राइड करोगे, बहुत ही कम चांस है कि आपको थकान फील हो। भाई एक हफ्ता हो गया है, मैंने अभी तक तो थकान फील करी नहीं है। इससे पहले भी मैं राइड करता था, बट ओकेजनली राइड करता था, कभी स्कूटी से कर लिया, कभी किसी की बाइक से कर लिया, कहीं जाना हुआ तो कर लिया, वरना तो मैंने बहुत ही कम कंटिन्यू राइड करा है बाइक से। बट अब अपनी खुद की बाइक लेने के बाद मैंने एक हफ्ता कंटिन्यू राइड करा है, तो मुझे अभी तक इसके ऊपर कोई भी थकान या फिर ऐसे बैक पेन वगैरह कुछ फील नहीं हुआ है। मोस्टली क्या होता है, बंदे जब खुद से अपनी बाइक परचेज करके उसको राइड करते हैं ना, तो हफ्ते 10 दिन यूँ कहते हैं कि भाई थोड़ी सी तो दिक्कत होती है बैक पेन वगैरह की, या फिर आपको आदत पड़ेगी तभी जाके आपको मज़ा आता है बाइक चलाने का। बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इस बाइक ने मेरा पूरा साथ दिया है। और इस बाइक को लेने का ना मेरा मेन मकसद यही था कि मैं इसको ऑलरेडी टेस्ट ड्राइव कर चुका था, और बाइक भी मैंने चला के देखी है, और इसमें जो मेरे को ड्राइविंग का एक्सपीरियंस मिला ना, उसी दिन से मैं इसका फ़ैन हो गया था, खासकर इस 164V का। बाकी अपाचे का लवर तो मैं बहुत पहले से हूँ, मैंने कम से कम भी 2-3 साल पहले से ये प्लान किया हुआ था कि भाई अपाचे लेनी है, बट बजट का इशू आई नो हर किसी के पास होता है, मेरे पास भी था। तो जैसे ही मेरा बजट बना और 164V एडिशन भी चल रहा था कि भाई अब अपाचे 162V भी है, 4V भी है, दोनों वेरिएंट आपको मिलते हैं। 2V तो मैं ऑलरेडी ड्राइव करके देख चुका हूँ, लेकिन वो आगे से क्या थोड़ा सा हैवी फील कराती है आपको टैंक की तरफ से, तो वो इतना मस्त मज़ा नहीं आता जो कि आपको 164V में आता है। आप इसको बढ़िया तरीके से बैठ कर ड्राइव करोगे, आपको बिल्कुल भी निराशा नहीं होगी कि भाई मैं क्या ड्राइव कर रहा हूँ, और इस बाइक से उतरने का मन भी नहीं करता जल्दी से। मैं खुद इसको ऑफिस अप डाउन के लिए यूज़ करता हूँ, तो मेरे को ना बहुत कम डिस्टेंस लगता है कि यार बस इतनी जल्दी उतरना है बाइक से, अभी तो थोड़ा मज़ा आया था ड्राइव करने में। तो वो चीज़ ना हमेशा फील होती है इस बाइक के ऊपर कि आप जितना मर्जी ड्राइव कर लो, जितना मर्जी लंबा ड्राइव कर लो, कभी आपको थकान फील नहीं होने वाली है, और हमेशा आप ये चाहोगे कि मैं इस बाइक को कंटिन्यू ड्राइव करता रहूँ। तो मेरा तो एक्सपीरियंस भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ऐसा नहीं है कि ये मेरा मतलब पहला प्यार था या फिर मेरे को ये बाइक बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बट जो मेरा एक्चुअल एक्सपीरियंस है मैं वही बताना चाह रहा था। और इसके अंदर भी ना कई सारे वेरिएंट्स आते हैं, तो उसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न रहती है बंदे को लेते टाइम, मेरे को भी थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हुई थी,
मैंने भी 2-3 बार इसके पीछे रिसर्च करी थी कि कौन कौन से एडिशन आते हैं, कौन सा मॉडल है, क्या नाम है, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स मिलेंगे। तो वो सारी चीज़ें मैंने कैलकुलेट करने के बाद और जो मुझे क्या क्या चाहिए उसके बाद ही मैंने डिसाइड किया कि भाई मेरे को ये बाइक लेनी चाहिए। एक ड्रॉबैक मैं इस बाइक का ये देना चाहूँगा कि भाई इसमें ना सिंगल ABS आता है। सिंगल ABS सबसे बड़ा नुकसान है, और रियर ड्रम लेने के बाद आपको सिंगल ABS मिले तब तो कुछ बेनिफिशियल भी है, लेकिन फिर उसमें आपको ब्लूटूथ देखने को नहीं मिलेगा। और डुअल डिस्क आप लोगे तो रियर व्हील में जो डिस्क है उसको आपको हमेशा ऐसे काम में लेना पड़ेगा कि भाई आप स्लिप ना हो गलती से भी। आप अगर गलती से स्लिप हो गए ना तो आपकी जान को खतरा हो सकता है और आपकी बाइक का भी नुकसान हो सकता है। और डुअल डिस्क में ही आपको ब्लूटूथ का वेरिएंट देखने को मिलता है, तो ये थोड़ी सी ना कंफ्यूजिंग वाली बात है कि आप कौन सा लेना चाहोगे। डुअल डिस्क लेना चाहोगे लेकिन उसमें ABS नहीं है, अब डुअल डिस्क लोगे तो उसमें ब्लूटूथ भी मिलेगा। सिंगल डिस्क लोगे तो उसमें रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलेंगी लेकिन ब्लूटूथ नहीं मिलेगा। और सिंगल डिस्क अगर आप लेते हो ना तो उसमें जो मीटर की लाइट है वो भी ये व्हाइटिश नहीं है, इसकी तो वाइट है कंप्लीट, जो कि अच्छी भी लगती है देखने में। सिंगल डिस्क वालों की लाइट जो आती है वो आती है ऑरेंज कलर में, तो वो मेरे को बहुत ही ज़्यादा बेकार लगी। मैंने सबसे पहले तो सिंगल डिस्क वाला वेरिएंट ही पसंद किया था कि भाई मेरे को यही चाहिए, क्योंकि मुझे पता था विदाउट ABS अगर रियर टायर में डिस्क लूंगा तो मेरे लिए खतरा होगा बहुत ज़्यादा। लेकिन उसकी लाइट देख के ना मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि यार मैं इतनी बढ़िया बाइक ले रहा हूँ, उसके बाद भी अगर मीटर कंसोल मेरा इतना बकवास लगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने सोचा यार क्यों ना, अब जब ब्लूटूथ एडिशन है, डुअल डिस्क मिल रहे हैं, सिर्फ 3,000 का फ़र्क है, तो ठीक है अब 3,000 ले लेते हैं। अपना जो ब्रेकिंग होगी थोड़ा आराम से करेंगे, ध्यान से करेंगे, सडन ब्रेकिंग जब होगी तब की तब देखी जाएगी। एंड 3,000 प्लस करके मैंने फिर इस वेरिएंट को परचेज किया। डुअल डिस्क है लेकिन सिंगल ABS है, ब्लूटूथ आपको देखने को मिल जाता है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, ये जो कि सिंगल डिस्क में आपको नहीं देखने को मिलता है दोनों के दोनों। एंड इसके बाद अब एक छोटा सा ड्रॉबैक जो मेरे को लगा वो है भाई सेम डिस्क को लेकर ही, डुअल डिस्क है तो पिछले टायर में जो डिस्क है ना उसमें ABS नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो अभी रिसेंटली एक केस हुआ था कि मैंने बहुत ही लाइट तरीके से ब्रेकिंग करी थी, तो एक होता है ना कि विदाउट ABS तो भाई डिस्क लॉक करेगा ही करेगा, तो वही सीन मेरे साथ हो गया था। मैंने बिल्कुल ही प्यार से ब्रेकिंग करी थी और ब्रेक करते करते मैं एकदम से पूरा पेडल मैंने ब्रेक का मार दिया था, तो मेरी बाइक हल्की सी ना स्किड मार गई थी। तो वहाँ मेरे को एकदम से खतरा सा लगा कि यार यही चीज़ का मेरे को डर था कि रियर में अगर डिस्क लूँगा तो स्किड होने के चांसेस रहेंगे, और वही हुआ मेरे साथ। और कोई नहीं, ये तो फर्स्ट टाइम था, लेकिन आगे से ध्यान रखेंगे। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि भाई विदाउट ABS डिस्क वाली बाइक लेना अपने ऊपर सोच समझ के खर्चा करना कि हाँ मैं इसको संभाल पाऊँगा नहीं संभाल पाऊँगा, मेरे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, बाकी सब सबकी अपनी मर्जी होती है कि किसको क्या लेना है, कैसे ड्राइव करना है। मेरे को ये पसंद आई थी, मुझे ये एडिशन लेना था, ब्लूटूथ भी लेना था, वाइट लाइट भी लेनी थी, गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी लेना था, डुअल डिस्क साथ में मिल गया तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अभी आप देख सकते हो सामने रोड पे इसकी इतनी अच्छी रोशनी आ रही है, जो कि हेडलाइट ऑन नहीं है ना कि इंजन ऑन है, सिर्फ DRL जो है वो ऑन है। अब मैं इसकी लाइट ऑन करूंगा तब आप देख सकते हो कि इसने इतना अच्छा फॉक्स मारा है और इतनी बढ़िया लाइटिंग ये दे रहा है, सामने तक रोशनी जा रही है। और जैसे ही मैंने ऑफ किया, इसकी यहाँ तक रोशनी इतनी अच्छी है क्योंकि ये DRL ऑन है। लाइट ऑन करते ही आप देख सकते हो कहाँ तक रोशनी जा रही है। और अभी मैं आपको पास मार के दिखाता हूँ, इंजन ऑन करना पड़ेगा मेरे को उसके लिए। ये मैंने स्टार्ट किया और ये देखो, ये इसका हाई बीम है कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। एंड देन सेकेंड चीज़ और है कि इसमें आप जैसे ही आपको स्टार्ट करोगे आपको सिर्फ सिंगल टच करना होता है बाइक ऑटोमेटिक स्टार्ट, तो ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी है। बाकी नॉर्मल बाइक्स में क्या होता है कि आपको सेल्फ दबा के रखना पड़ता है और हल्का सा रेस भी देना होगा, या फिर 2-3 बार सेल्फ मारोगे तब जाके स्टार्ट होगी। TVS के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, आपको बस हल्के से पुश करना है स्टार्ट बटन को, बाइक आराम से स्टार्ट हो जाएगी। एंड इसका एग्जॉस्ट साउंड मैं आपको सुना देता हूँ भाई, जो स्पेशल एडिशन वाला वो आता है ना भारी वाला साइलेंसर जिसको बुल पंप हम कहते हैं, उसकी आवाज़ थोड़ी अलग होती है, बट इसकी थोड़ी सी अलग है, आप सुन के देख सकते हो किस तरीके की है। तो कुछ इस तरीके की थी हमारे एग्जॉस्ट साउंड। अब आपको किस तरीके का एक्सपीरियंस मिला इस बाइक को देखकर मेरे को प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और ट्रैफिक मेरे को लग रहा है शायद धीरे धीरे बढ़ रहा है, फटाफट से अपने घर की तरफ निकलते हैं भाई, रास्ते में रुक के मुझे लगा ये वीडियो बनानी चाहिए। आज मेरा पूरा एक हफ्ता हो गया इस बाइक को लिए हुए, तो मेरा जो एक्चुअल एक्सपीरियंस होता है ना मैं चाहता हूँ कि हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करूँ।
मुझे कभी भी कुछ बना के ना बोलना पड़े, कुछ दिखावा ना करना पड़े। जो एक्चुअल है वो मैंने आपके सामने हमेशा बताया है और वही चीज़ मैं हमेशा कोशिश करता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। Yeah, uh-huh, uh-huh.